नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान की कोटा पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एल्विस यादव की गाड़ी को रोका, तलाशी ली, करीब 20 मिनट तक पूछताछ की, इसके बाद जाने दिया है। वह मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि एल्विस यादव रेव पार्टी को लेकर विवादों में आए थे। बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विस को शनिवार को कोटा ग्रामीण पुलिस ने पूछताछ की। बता दें कि एल्विस यादव के नाम रेव पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई को लेकर शुक्रवार को नोएडा में FIR दर्ज हुई है। कोटा पुलिस ने एल्विस से 20 मिनट तक पूछताछ की। वहीं सुकेत थाना रामगंज के SHO ने गिरफ्तारी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी के दौरान एल्विस की गाड़ी को रोका गया था, करीब 20 मिनट तक पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया है। राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा ने पुष्टि की है। इस संबंध में नोएडा पुलिस को भी जानकारी दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि शनिवार को कोटा ग्रामीण जिले में पुलिस ने नाकेबंदी लगा दी थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को रुकवाया। जांच के दौरान पता चला कि कार में एल्विस यादव भी सवार थे। इसके बाद एल्विस को कोटा पुलिस ने हिरासत में लिया और इसकी सूचना नोएडा पुलिस को दी। नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव के मुकदमे में वांटेड होने से इनकार कर दिया, तब कोटा पुलिस ने उन्हें जाने दिया है। गौरतलब है कि 3 नवंबर को रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांप के जहर के इस्तेमाल पर नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उस वक्त इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एल्विस यादव फरार चल रहे थे। बता दें कि 3 नवंबर को रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांप के जहर के इस्तेमाल पर नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। फिलहाल दोस्तों एल्विस यादव को छोड़ दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक